और ज़्यादा वेरियंट्स लाए हैं इस प्रोडक्ट में और मार्केट में और ज़्यादा मूव कर रहे हैं। क्या आप बता सकें कि अभी आपका कौन सा प्रोडक्ट था और आप ऐसा कहा है कि आपने कि और अलग अलग फ्लेवर के आप प्रोडक्ट्स लाएंगे, तो आप जो इसके कस्टमर उसके लिए और क्या क्या आप इन्वेंट करेंगे? अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेगुलर एनर्जी ड्रिंक है। अभी 2 मंथ में हम लोगों का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, इट्स अ शुगर फ्री, और उसके बाद हम एवरी 6 मंथ में एक न्यू वेरिएंट्स इंडिया में लॉन्च करेंगे, न्यू फ्लेवर। जैसे कि आपने कहा है कि आप इसे बैकवर्ड एरिया में भी डेवलप करना चाहते हैं ताकि उधर के लोगों तक भी स्ट्रेटेजी क्या होगी? जैसे कि आपको पता होगा कि बैकवर्ड एरिया में ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, तो आप ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में जाए? हम लोग हमारा मार्केटिंग टीम बढ़ाएंगे, एक प्रमोशन एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे और वहाँ पे जो भी सोशल एक्टिविटीज़ या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे हम प्रमोशन और एक्टिविटीज़ प्रमोट करेंगे, तो डेफिनेटली हम रूरल एरिया तक भी पहुँच पाएंगे। सर आप क्या कहेंगे आज एक साल का सक्सेस पार्टी है इंटरनेशनल लेवल पर भी और आप इंडिया में एक साल पहले? ऑलरेडी ये यूरोप मार्केट में वहाँ चल रहा है, अभी इंडिया के लिए हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्या बोले मैंने? और क्या क्या नई चीज़ें लाएंगे कि लोग ये एनर्जी ड्रिंक और ज़्यादा लेंगे? इनमें बहुत सारे वेरिएंट भी ला रहे हैं हम लोग। प्राइसिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे, प्राइसिंग किस तरह की, कितना अफोर्डेबल है बंदा के लिए? प्राइस हम लोगों का 80 रुपीज़ है और आई थिंक 80 रुपीज़ इज द अफोर्डेबल एवरी वेयर। आपको क्यों लगता है कि और लोगों को ये एनर्जी ड्रिंक यूज़ करना चाहिए आपके हिसाब से, कितना फ़ायदा होगा इससे? एनर्जी ड्रिंक हमारा इसलिए यूज़ करना चाहिए, एक्चुअली फुल एनर्जी ड्रिंक इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि लो कैफीन है इसमें, लो शुगर है और लॉट्स ऑफ विटामिंस है, तो दिस इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। सर आप क्या कहेंगे ड्रिंक वाले सक्सेस पार्टी आज इसका? सो आई वुड लाइक टू ऐड दैट इट जस्ट स्टार्ट वन ईयर कंप्लीट इन वर्क, मेनी मोर इयर्स टू कम। We have the presence not only in India, we have so many international markets. We have also a very big market in USA. There's many more there. Sonu sir, aap se first of all congratulations to be here. So aap se puchna chahungi ki kaisa aapka experience raha yahan pe, kya kuch kehna chahenge? You know, first of all, मुझे लगता है जिनके साथ आप जुड़ते हैं वो बड़े पॉजिटिव होने चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी होने चाहिए, और आज मैं जब जिनके साथ बैठा हूँ दे आर ए वेरी पॉजिटिव पीपल। प्रतिभा जी, शैलेश जी, आई नो देम सिंस मेनी इयर्स एंड मुझे पता है कि इनके अंदर जो पैशन है टू ब्रिंग समथिंग गुड फॉर द पीपल वो बड़ा कमाल का है। यू नो, चाहे आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब एक साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी वैसे ही यू नो प्रतिभा जी से उन्होंने बोला था कि हम लोग कुछ ऐसी कमाल की चीज़ लेके आ रहे हैं जो मासेस के लिए रहे, जो आम लोगों के लिए रहे, और वो लोग जो इसे लेना चाहते हैं उनके लिए क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए वो वी आर वर्किंग ऑन दोज फार्मूलाज। और आज जब एक साल इनका पूरा हुआ है, नाउ एम ए पार्ट ऑफ दिस होल आई वुड से सेलिब्रेशन, सो आई फील प्राउड कि आज मैं इनका जो ड्रीम एक साल पहले शुरू हुआ था आज मैं उन्हें पूरा हुआ देखता हूँ, और I want to congratulate for this brilliant effort that they have done. Thank you so much. What is your strength as an actor or real life mein aapka strength kya? No, I think mere paas duaein badi sari hain, so I think wo sabse important hai. Camera to role hote hi ya blessings hai, so I think एक ज़िंदगी कैमरे के बिना भी होती है। हम अक्सर जब कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे एज एन एक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, तो हम अक्सर उन दायरों में घूमते रहते हैं कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए, जो हम अपने लिए क्या और कर सकते हैं। बट आई थिंक लाइफ कई बार उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है जो हम दूसरों के लिए सोचना शुरू करते हैं। तो आई थिंक मेरी ज़िंदगी में वो अवेकनिंग आई, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि लाइफ उससे ज़्यादा भी महत्व रखती है। सो आई एम ट्राइंग टू इन्वेंट माई सेल्फ, यस स्टिल माइल्स टू गो, बट द जर्नी इज़ ऑन। जी फर्स्ट आइडिया जब आपको ये अप्रोच आया?
देखिए, जो मुझे पहली दफ़ा आया था तो मैंने उनको यही बोला था, मुझे नहीं लगता मैं रूडीज के लिए बना हूँ, क्योंकि वहाँ डांटते बड़ा है, यू नो झगड़ा भी कर लेते हैं, मैं तो कर नहीं पाऊंगा भैया, तो आई श्योर कि मैं जी तो मैंने जब लास्ट ईयर होस्ट शुरू किया था साउथ अफ्रीका में, तो मैंने उसको बदला था ताकि फैमिली ऑडियंस कैसे जुड़ सकें। मैंने एक चीज़ बोला था, कोई यहाँ पे गाली नहीं देगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सो वो आई थिंक एक चेंज आया था कि बड़ी फैमिली ऑडियंस बड़ी जुड़ी हुई चाहिए, गॉट द रिस्पॉन्स। और इस बार भी जब हमने सीजन शुरू किया है, इस बार हमारे गैंग लीडर्स कई बार झगड़ा कर देते थे, तो मैं उनको अभी बना के इतने पक्के दोस्त बना दिए कि एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, कि रिश्ते कैसे जोड़ते हैं, बॉन्डिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरी कोशिश वही रहेगी हमेशा। थैंक यू सो मच जी। देखिए, जब प्रतिभा जी और शैलेश जी मेरे ब्रांड एम्बेसडर साइन करेंगे तब मैं बोलूँगा कि कैसे प्रमोट करते हैं। अभी तो मैं इनकी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने आया हूँ। सो आई थिंक नहीं, ज़रूर होगा। सो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो दुनिया है बड़ी स्मार्ट है, ठीक है। हम लोग कुछ भी उनको बोले, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी बोले हम मानते हैं। सो जब हम कोई चीज़ उनको बोलते हैं, उसके अंदर मायने होने चाहिए, उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। कोई भी चीज़ एस प्रमोटर्स, एस इंडिविजुअल्स, एस फेस, तो जब मैं कोई भी ब्रांड साइन करता हूँ तो मैं सिर्फ ऐसा फेस नहीं चुनता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे, कि मैं उन प्रमोटर्स के लिए क्या अच्छा कर पाऊँ, उस ब्रांड को और कैसे बड़ा कर पाऊँ, और जो उसके कंज्यूमर्स हैं उसको कैसे मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ, कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितना सच है। सो आई थिंक दैट्स माई स्ट्रैटेजी ऑलवेज, वॉट एवर आई ट्राई टू डू। सो नॉट जस्ट एज अ फेस कि मैं आता हूँ कि भैया मुझे आप पकड़ा देंगे और मैं बोल के चले जाऊँगा। सो हम लोग साथ में बैठते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके बारे में और जानें, ताकि और लोगों के दिल तक पहुँच सके। लोगों के घरों में पहुँचना आसान है, लोगों के दिल में पहुंचना मुश्किल है। तो जर्नी हमेशा वही रहती है, ऐसा ऐसा फेस कि लोगों के दिल में कैसे पहुंचे, दिल में पहुंच जाएंगे तो घर में अपना पहुंच जाएंगे। सोनू जी, आपकी एनर्जी क्या है? मेरी एनर्जी आप लोगों सर आप जब आते हो तो आई थिंक वो एक अपने आप एनर्जी आ जाती है। आप देखो कितनी बारिश के अंदर आप सब लोग एकदम कड़क खड़े हो, फुल ऑफ एनर्जी खड़े हो, तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। जी प्लीज। मेरी होम प्रोडक्शन फतेह जो है जस्ट अभी कंप्लीशन पे है, 5-7 दिन का काम बचा। मैं जैकलिन है, हम लोग एक्शन फिल्म है, पूरी टीम्स जो है फ्रॉम द कैमरामैन केम फ्रॉम अब्रॉड, एक्शन डायरेक्टर समन हु हैज़ डन वर्क ऑन जुरासिक पार्क, एक्सट्रैक्शन, फास्ट एंड फ्यूरियस, तो वो पूरी टीम आई थी यहाँ पे। हमने करीबन एक महीना कमाल का एक्शन किया, और जिन लोगों ने देखा है दिस दे फील कि इट्स समथिंग दैट पीपल आर गोइंग टू रियली लव इट। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड, जल्द हम लोग इस महीने में पहला लुक में रिलीज़ करूँगा। सो आई होप कि जितनी मेहनत हम लोगों ने की है लोगों को पसंद आए, बट येस द एफर्ट विल बी टू ब्रिंग ए स्माइल ऑन योर फेसिस। जी देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं शुरू से कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 24 नहीं 22 घंटे होते हैं, 2 घंटे इज ऑलवेज फॉर फिटनेस। नो मैटर आप कितना बिजी हो, कितना व्यस्त हो, यू हैव टू टेक योर टाइम फॉर योर सेल्फ। सही खाएं, यू नो आपकी जो लिविंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितना स्ट्रेस में हम लोग भागते फिरते हैं तो हम लोग कई बार अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, वो मत कीजिए। स्टे फिट नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिलीज ऑल्सो। सो जस्ट अभी भी आप बाहर जाएंगे तो खाएंगे पिएंगे, मीठा मत खाइएगा सर, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई कैन डू, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज।